डोईवाला के थानों में लेखक गांव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस दौरान सूबे के राज्यपाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई कैबिनेट और पूर्व मंत्री और 40 देशों के लेखक और कवि भी शिरकत करेंगे। डोईवाला के थानों गांव में बना लेखक गांव खूबसूरत वादियों में बना है, जहां देश विदेश के लेखक और कवि अपनी रचनाओं और कविताओं को इन सुंदर वादियों के बीच लिख सकेंगे। बता दें कि इस लेखक गांव की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई है, जिसमें विदेशी मेहमान हिंदी भाषा सीखने के साथ भारत के कल्चर से भी रूबरू हो सकेंगे। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस लेखक गांव का उद्घाटन करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्री और विदेशी मेहमान भी मौजूद रहेंगे। रात से शुरू होने वाला ये सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। और इस लेखक गांव का विधिवत जो शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वो कल यहाँ पर आ रहे हैं, और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो ये कल विधिवत इसका शुभारंभ होगा। 3 दिन तक चलने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला के महोत्सव में लगभग दुनिया के 65 से भी अधिक देश प्रत्यक्ष जुड़ेंगे, जबकि यहाँ पर लगभग 40 देशों के जो छात्र और साहित्यकार हैं, आज ही यूक्रेन से जो वहीं के मूल यूक्रेनी हैं, बहुत मुश्किल से वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, वो बहुत जिज्ञासु साथी उनकी, और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पहुँच भी गए हैं, और कल और परसों में 2 दिनों में बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आएंगे। ये देश का संभवतः पहला लेखक गाँव है।